दोस्तों नमस्कार, मैं विवेकानंद यादव, मेरा मोटिवेशनल चैनल YBNY आप देख रहे हैं। धर्म के ठेकेदारों ने जो देश में उपद्रव फैलाने का काम किया और स्वर्णों को उकसा कर जो दलितों पिछड़ों के साथ जो अनर्थ करवाने का काम किया, उस विषय में दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर ले ताकि नया नया वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों आपने देखा पूरे भारत में SC ST एक्ट के विरोध में सवर्णों ने सड़क पर उतरने का काम किया, आगजनी किया, सांसद पप्पू यादव को पीटा, श्याम रजक को पीटा, इसके अलावे सैकड़ों दलित और पिछड़ों को पीटकर घर में घुसाने का काम किया। दोस्तों ये सारे कांड को करने और सारे उपद्रवी को उकसाने और सारे सवर्णों को उकसाने का काम कथावाचक तथा कथित साधु देवकी नंदन ठाकुर ने किया। ऐसे देवकी नंदन ठाकुर जैसे पाखंडी साधुओं का सबसे ज्यादा विरोध होना चाहिए। और आप दलित और पिछड़ों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत के बाहर कहीं भी इतने देवी देवता नहीं हैं, साधु नहीं हैं, केवल भारत में ही देवी देवता असाधुओं का प्रकोप है। आपको ये समझना होगा कि ये साधु मनोवादी विचारधारा के व्यक्ति ऐसी रचना रचित किया, ऐसा महाभारत रामायण गीता लिखा जिसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बनाकर अपने आप को पूजनीय बनाने का काम किया और सारे कामों को ठेका खुद ले लिया। और ये साधु कृष्ण लीला बताते हैं ठाकुर, और ये ठाकुर करोड़ों अरबों रुपया हमसे आपसे चंदा के रूप में लेकर लूट कर कमाते हैं और वो पैसा वो गलत काम में लगाते हैं। दर्जनों साधु अनैतिक कार्य करने में पकड़े गए, जेल में बंद हैं, लाखों लाख की संपत्ति जब्त हुई है। आप सारे दलित और पिछड़े धार्मिक भावना में फंसकर इन पाखंडियों और साधुओं को आप लोग प्रश्रय देते हैं। सबसे पहले अपने आप में ये तय करो कि कनकन में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान बसा हुआ है। इन साधुओं के कहने से भगवान का मेरे ऊपर कोई श्राप भी नहीं लगेगा और भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद भी नहीं होगा। ये साधु अगर अपने खुद के भाषण से या प्रवचन से दूसरे का कल्याण करते हैं तो खुद का कल्याण क्यों नहीं कर लेते हैं कि हमसे भीख मांगने की नौबत इन सवर्णों को पड़ता है, इन साधुओं को पड़ता है, मंदिर में मेरे चंदा को लेने की जरूरत पड़ता है, कथा कराने में पैसा लेने की जरूरत पड़ता है, दही चूड़ा खाने की जरूरत पड़ता है। ये पाखंडियों का विरोध दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों को करना होगा। जब तक अपने आप को इस पाखंड से बाहर नहीं करोगे, ये धर्म के ठेकेदारों का विरोध नहीं करोगे, भगवान से डरना जब तक बंद नहीं करोगे, ये ठेकेदारों द्वारा जो भगवान से डरवाया जाता है, जब तक ये बंद नहीं करोगे स्वर्णों की दुकानदारी बंद नहीं होगा। ये स्वर्ण जाति के लोग हमें से पैसा लेते हैं, हमें ही खटाते हैं, हमारे ही वोट्स पर जीतते हैं और हम ही लोगों को पीटते हैं, हम ही लोगों का शोषण करते हैं। SC ST एक्ट आज से नहीं, पहले से लागू था, पहले से कानून था, FIR होता था, गलत होने पर FIR होता था, पुलिस अनुसंधान करती थी, जो गलत होता था उसको मतलब उस केस को फाइनल किया जाता था और जो सही होता था तो सजा लोगों को दिया जाता था। कहां दुरुपयोग हो रहा था और अभी क्यों माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है? ये देवकी नंदन ठाकुर जैसे ठग और
धोखेबाज सत्ता लोभी साधुओं जैसे लोगों का विरोध करना होगा। खुलकर विरोध करो ऐसे साधुओं का। ये साधु मंडली लड़कियों का बलात्कार करते हैं, ये साधु मंडली मंडप के अंदर में लड़कियों का शोषण करते हैं, ये साधु मंडली कई साधु ऐसे पकड़े चले गए जो मंदिर में लोगों का बलात्कार लड़कियों का किया, जो अनैतिक यौनाचार लड़कों के साथ करते हैं, फिर भी आप अंधविश्वास में फंस कर ये साधुओं को प्रश्रय देते हैं। इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए सबसे पहला काम पूजा पाठ आप दलित और पिछड़े लोग बंद करो। जब पूजा पाठ बंद करोगे तो इनकी दुकानदारी बंद होगी, और जब इनकी दुकानदारी बंद होगी तो ये सुधरेंगे। ऐसे दलितों पिछड़ों से मैं कहना चाहता हूँ जो भगवान के ढोंग पर फंसे हो, भगवान के ढोंग के लिए डरते हो कि भगवान ने मुझे ये दिया, भगवान ने मुझे वो दिया, तो मुझे ये बताओ कि तुम घर में बैठो भूखे, क्या भगवान तुम्हें खाना पहुंचा देंगे? क्या वो ढोंगी बाबा के प्रकोप से तुम्हें खाना पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। कर्तव्य करना होगा, मेहनत करना होगा, खटना होगा, कमाना होगा, फिर तुम्हें भोजन प्राप्त होगा। आज इन ढोंगियों के कारण पूरे भारत के अंदर में उपद्रव फैला। पूरे बिहार में पप्पू यादव और श्याम रजक जैसे लोगों को सांसद विधायक दलित और पिछड़ों को पीटने का काम किया गया, और भी लोग पिटाए। अब ऐसी खाई समाज में बन गई है कि दलित पिछड़ों और सवर्णों के बीच खाई पैदा हो गई है, जिस खाई के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकता है। कई जगह सुनने में आया कि पप्पू यादव के समर्थक ने नीतीश सरकार का विरोध किया, मोदी सरकार का विरोध किया, और भी लोग विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? ये ठग देवकी नंदन ठाकुर जैसे साधुओं के कारण आज समाज में टूट का नौबत आया है। ये टूट के नौबत से बचने के लिए इन साधुओं का विरोध होना चाहिए, सरकार से मांग होना चाहिए, इसने समाज को तोड़ने का काम किया, देश में उपद्रव फैलाने का काम किया, ऐसे साधुओं पर FIR दर्ज हो, ऐसे साधुओं को जेल में बंद किया जाए। दर्जनों साधु जेल में बंद हैं, आप अब भी वक्त है, संभलो दलितों पिछड़ों, संभलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। धर्म के ठेकेदारों से ठगने से बचो। मंदिर में पूजा करना बंद करो, घर में पंडित को बुलाना बंद करो, इन ब्राह्मणों का विरोध करो। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इसके लठई क्षत्रिय अन्य जाति, इन सारे लोगों का विरोध करने के बाद समाज में समानता आवेगा। बड़ी दुख होता है ये जान के कि आप लोग इन साधुओं के ढोंग में फंसकर खुद के कमाए पैसा देते हो, अपने बेटी बहू को उसके पास भेजते हो, वो अनैतिक कार्य करता है। दोस्तों, मैं फिर आगे भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं विराम करता हूँ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।